दोस्तों जब बैंक्स की बात आती है, बैंकिंग एंड फाइनेंस में सब लोग पैसा लगाना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड भी सबसे ज़्यादा पैसा बैंकिंग एंड फाइनेंस में ही लगाते हैं। अब जब भी बैंकिंग स्टॉक्स की बात आती है तो हमारा सारा ध्यान मेजर बैंक्स पे चला जाता है। हम एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक के आगे सोच ही नहीं पाते। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि कभी कभी कोई स्टॉक ऐसा हो सकता है जो अभी अपने वैल्यूएशन से नीचे चल रहा है और अचानक से पलट के आपको उस वक्त ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है और इस वक्त ये बहुत सेफ बेट है। तो वो हम कैसे देखेंगे? और सपोज़ आपने 10 अच्छी बैंक्स निकाल के रख ली, जैसे अभी पीएसयू बैंक की बात करें तो बहुत सारी बैंक्स थी जो अच्छी थी। तो यहाँ पे एक आर्टिकल में हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन से बैंक है और जिनकी रेटिंग सबसे अच्छी है, इससे हम वो फ़र्क ला सकते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग कैसे हो जाए। तो यहाँ पे आपको इलाहाबाद बैंक दिख रहा है, ये AA+ stable नज़र आ रहा है। AA से AA+ रिवाइज रेटिंग हुई है, बेटर हुआ है। लेकिन इस पूरी टेबल में हम लोग देख रहे हैं AAA कहाँ पे, तो बैंक ऑफ इंडिया AAA है। फिर हमको यहाँ पे केन बैंक AAA स्टेबल है। फिर हम आगे चलते AA को मैं छोड़ रहा हूँ। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कॉरपोरेशन बैंक AAA है और फिर हमने देखा यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया AAA है। तो दोस्तों इन सारे बैंक में से, क्योंकि बुरा तो कुछ भी नहीं लगता, तो अब आपको शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए कोई पैरामीटर चाहिए तो आपको ऐसे आर्टिकल ढूंढने चाहिए। ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, कौन सी पर्टिकुलर डेट को पब्लिश हुआ था ऐसा यहाँ बताया हुआ था। तो आप ऐसा भी रिसेंटली जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसको सर्च कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और ट्रेंड लाइन में जाके जो जो नाम हमारे सामने आया, जैसे यूनियन बैंक आया, कॉरपोरेशन बैंक आया, तो यहाँ पे हम उसको बड़े आराम से डिटेल देख सकते हैं। कॉरपोरेशन बैंक नहीं, अभी तो उसका कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड है नहीं यहाँ पे, वो पुराना आर्टिकल था। तो हम यहाँ पे यूनियन बैंक हम देखने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे भी अगर आपको ऐसा लगे कुछ डाउटफुल है तो उसको जल्दी से भूल जाओ, उसको लेके वो उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सिटी यूनियन बैंक दो अलग अलग बैंक हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर बता रहा है ये। सेक्शन 1420 या इसका मार्केट कैपिटल 1,00,000 करोड़ का है। पी रेशो 8 का ही है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है बैंक। ऑल करके EPS देखा हमने और कंपेयर EPS करके हम बाकी बैंकों के साथ अगर इसको कंपेयर करना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे हमको इसको कंपेयर करना है बैंक ऑफ इंडिया से, तो हम उसका नाम लें, क्योंकि यहाँ पे वही बड़े बड़े बैंकों के नाम आ गए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जिनके साथ कंपेयर करना चाहते हैं वहाँ पता लगे हमको बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम वो फिर कंपेयर EPS करके उसको देखेंगे तो हमको नज़र आ जाएगा। तो बैंक ऑफ इंडिया के साथ में इसका कंपैरिजन क्या बनता है वो हमको नज़र आ जाएगा। तो ऐसे आप दूसरे, तीसरे, चौथे सारे बैंकों को देखें, नीचे जाके पीयर्स के साथ ये कैसे किस लेवल पे है वो देखा जा सकता है। तो डिटेल पीयर ग्रुप्स में ये कहाँ होता है, कैसे इसको देख सकते हैं वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके रेटिंग का इस्तेमाल करके आप अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स में कौन ज्यादा पावरफुल है उसको चुन सकते हैं और वो चीज बाजार के गिरने पे भी आपको सपोर्ट करती रहेगी। तो कंपेयर EPS में जो आपको बाय डिफॉल्ट स्टॉक्स मिलते हैं उसके अलावा आप अपने तरह से स्टॉक लिख के भी चुन सकते हैं, उनके साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए। आप सबको कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। जो लोग भी कमेंट करेंगे उनको अपनी तरफ से हमको स्पेशल बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे।